हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेद स्टडीज। आज हम बात करने वाले हैं आयुष मिनिस्ट्री का बजट सेशन 2022-2023 के बारे में डिटेल से। आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय में शोध को बढ़ावा देने, किफायती आयुष सेवाओं का विस्तार करने, राज्यों के साथ मिलकर आयुष को बढ़ावा देने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आयुष के विशेष विकास पर बल देने के लिए आयुष मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को 3050 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जो पिछली बार करीब 2600 करोड़ का था। इस बार पिछली बजट की तुलना में 400 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है, ताकि आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को नया आयाम मिल सके। केंद्रीय मंत्री ने आयुष मंत्रालय में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा बजट अलॉट किया है। बजट में अनुसंधान को कुल 682 करोड़ की सौगात दी गई है। इसमें केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद को सबसे बड़ा बजट रिसर्च के लिए दिया है। परिषद को 358.50 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। वहीं केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को 143.70 करोड़ और केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद को 175.80 करोड़ दिए गए हैं। इस बजट से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के वैधीकरण के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किए जाएंगे। इससे जो है नई औषधियों की खोज, उसका सर्वेक्षण, साथ ही साथ उसके रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत औषधीय पादप अनुसंधान चिकित्सा, रुजातीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, औषधीय मानकीकरण और अनुसंधान के रिसर्च के पब्लिकेशन को नई दिशा मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कोरोना महामारी को मात देने के लिए शुरू की गई आयुष मंत्रालय की स्कीमों और योजनाओं पर दिल खोल कर धन वर्षा की है। इस बार आयुष मंत्रालय की परियोजनाओं और स्कीमों को पंख देते हुए 306 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। दूसरा सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा फोकस मंत्रालय की लोक कल्याणकारी योजनाओं पर किया गया है, ताकि आम जन को आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा का भरपूर लाभ मिल सके। पिछली बार इसके लिए 235 करोड़ का बजट दिया गया था। बजट में इस बार पूर्वोत्तर क्षेत्रों और राज्य सरकार को दी जाने वाली सहायता अनुदान धनराशि को करीब दोगुना कर दिया गया है। पिछली बार जहां पूर्वोत्तर क्षेत्र को बजट में 102.47 करोड़ दिए गए थे, वहीं इस बार इसे बढ़ाकर 181.97 कर दिया गया है। इसी तरह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता अनुदान धन राशि में बढ़ोतरी करते हुए 610 करोड़ कर दिया गया है, जबकि पिछली बार ये धन राशि 422.40 करोड़ थी। देश में विश्व के पहले WHO ग्लोबल सेंटर और ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की जा रही है। ये विश्व का पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र WHO ग्लोबल सेंटर होगा। इसका सीधा असर देश में ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर के निवेश में देखने को मिलेगा। इसे देश ग्लोबल सेंटर ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े ग्लोबल वेलनेस और रिसर्च के तौर पर उभरेगा। केंद्रीय बजट में इसके लिए भी पर्याप्त बजट का प्रावधान किया गया है। बजट में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत आयुष अस्पतालों और औषधालयों के विस्तार के लिए 800 करोड़ अलॉट किए गए हैं, ताकि किफायती आयुष सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जा सके। साथ ही अस्पतालों को अपग्रेड कर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर किया जा सके। और ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल।